यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहराइच जनपद की 7 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान का कार्य शुरू हो गया है और 11 बजे तक मिली रिपोर्ट के अनुसार बहराइच जनपद में 11.19% होने की खबर है। प्रतिशत आपको बता दें, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद ने आज सबसे पहले स्थानीय महिला महाविद्यालय पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और जनता से 100% मतदान करने की भी अपील की। नेपाल की तरहटी के जनपद बहराइच की 7 विधानसभा चुनाव के लिए आज 5वें चरण में 27 फरवरी को सुबह 7 बजे से मतदान का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें, बहराइच शहर की इस महत्वपूर्ण सीट पर जहां हम इस वक्त खड़े हैं 2903 बूथों के आधार पर मतदाता हर्षाह वर्धन के साथ उल्लासपूर्वक अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आज सुबह 7 बजे से मतदान का कार्य जहां शुरू हुआ है, वहीं पोलिंग पार्टियां भी पूरी तरह निष्पक्षता के साथ अपने काम को अंजाम देने के लिए मुस्तैद हैं। आपको बता दें कि इस वक्त जहां हम खड़े हैं, ये शहर का बहुत ही बहुत इलाका तारा महिला इंटर कॉलेज है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में महिलाएं। तैयारियां पूर्ण हैं, प्रक्रिया प्रारंभ है। लोकतंत्र के इस महापर्व में सभी मतदाता घर से बाहर आएं और अपने मतदान का प्रयोग करके लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए अपना योगदान दें। जय हिंद, जय भारत। या बाहर आ जाओ, पिंक बूथ सर, आप 200 मीटर से बाहर हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग 200 मीटर से बाहर हैं। और मुझे अपनी पसंद की सरकार चुनने का मौका मिला। वोट डालना जरूर है आपने, लेकिन आपको वोट डालने का उद्देश्य क्या रहा, किस मुद्दों के आधार पर आपने अपना मतदान किया है? तो विकास हो, समाज का और कल्याण हो, इसी उद्देश्य से मैंने वोट डाला है। बेरोजगारी का मुद्दा है। मैम, आप आपने अपने वोटों का इस्तेमाल किया है, जो बहुत बड़ी धरोहर है हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय लोकतंत्र के लिए। तो आपने अपने मत का जो इस्तेमाल किया है लोकतंत्र का निर्माण करने, लोकतंत्र का निर्माण। धन्यवाद।